सो गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास हमने बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन फिनिश कर लिया था। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन और समटाइम्स इट इज ऑल्सो मैंशन एज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Generally there are four types of reactions, but sometimes in some books you can get it as the five times also. तो हम तो पहले generally जो four types होते हैं हम उनको discuss कर लेंगे, फिर हम उसको भी आगे cover करेंगे। First one is combination reaction। स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, दिस विल बी एन, राइट? कॉम्बिनेशन, दिस इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज, पहले हम डिस्कस लेते कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, एटलीस्ट थोड़ा सा व्यू ले ले, होता है क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म वन सब्सटेंस, यानी कुछ ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक बन जाते हैं, दैट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हाट इज दैट डिकम्पोजिशन रिएक्शन? दिस इज एस एंड दिस इज ओ, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होगा, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में दो या तीन मिलके एक बनते हैं, जबकि डिकम्पोजिशन में एक ही क्या हो जाएगा, दो या दो से तीन बनता है। समझ में आ रहा है? चलिए थर्ड देखते हैं। थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, स्पेलिंग विल बी, यहाँ लिख देते हैं हम टी, डी आई एस पी एल ए सी ई एम ई एन टी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन विल बी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेम स्पेलिंग रहेगी। अब ये दोनों में क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई एक कंपाउंड का एक पार्ट उस कंपाउंड को छोड़ के दूसरे के साथ कंबाइन होता है, जबकि डबल डिस्प्लेसमेंट में दो अलग अलग कंपाउंड्स के अलग अलग पार्ट्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, दो एक ही कंपाउंड के दो अलग अलग पार्ट्स होंगे, वो आपस में इंटरचेंज करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम आगे देखेंगे, फिलहाल हमें इतना आइडिया होना चाहिए कि चार टाइप्स के केमिकल रिएक्शन होंगे। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन, सेकेंड वन डिकम्पोजिशन, थर्ड वन डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब उसी में कुछ बुक्स में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को भी ऐड कर दिया गया है, जो कि वो अलग टॉपिक है, हम उसको अलग से कवर करेंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो आज हम स्टार्ट क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक इज यस कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, बात तो नाम से ही क्लियर है कि ये ऐसा रिएक्शन होगा जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस कंबाइन होके एक सब्सटेंस बनाएंगे। चलो डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल, दिस इज जी, सिंगल सब्सटेंस।
द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अ कॉम्बिनेशन स्पेलिंग इज COMBINATION. दिस इज सी कॉम्बिनेशन रिएक्शन. ये बात समझ में आ रही है? अभी समझ में आ गया तो आगे हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एक बार फिर से देख लीजिए क्या डेफिनेशन. द केमिकल रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सब्सटेंस इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कैसे काम करता है आगे देखते हैं. देखिए हम एग्जांपल सब समझेंगे. फर्स्ट एग्जांपल अच्छा याद है हम लोग जो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन चैप्टर स्टार्ट किए थे तो सबसे पहला इक्वेशन हमने क्या लिखा था? हाँ क्या लिखा था? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. लिखते हैं फर्स्ट एग्जांपल इज बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. क्या है? बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन. लिख सकते हैं, चलिए लिखते हैं मैग्नीशियम Mg. अच्छा मैग्नीशियम क्या है? मेटल या नॉन मेटल? मेटल है. हाँ देन इट विल बी एग्जिस्टिंग इन सॉलिड फॉर्म. बर्निंग का मतलब क्या होता है? इट इज अ काइंड ऑफ कंबस्टन रिएक्शन एंड इट टेक्स प्लेस ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस. सो इट विल कंबाइन विद द ऑक्सीजन गैस. ऑक्सीजन गैस मॉलिक्यूल में एग्जिस्ट करता है. सिंस इट इज अ गैस तो हम क्या लिखेंगे? जी. अब ये कंबाइन होंगे तो आप चाहें तो ऊपर क्या लिख सकते हैं? कॉम्बिनेशन. उसकी जरूरत नहीं होती है, आप चाहें तो लिख सकते हैं. हमें तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमें पता है. देखिए हमें मालूम है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या बनाता है. हाँ क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. चलिए वहां लिखने से पहले हमें अपने फॉर्मूले को खुद से बनाना सीखेंगे. आप हमें बताइए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना आता है? 12. हाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 282, यानी कि दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा? 2+. समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है. चलिए ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल. एटॉमिक नंबर 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2.6. आप ये बताइए कि ये खुद को स्टेबल करने के लिए क्या करेगा? दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, यानी कि इस पर कैसा चार्ज आएगा? 2-. अब देखिए दोनों के चार्ज अपोजिट है तो कंबाइन हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं. अब मैग्नीट्यूड देखिए, इसका कितना? 2. इसका भी कितना? 2. अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या हमें किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है? नहीं है ना. तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? MgO. बात समझ में आ रही है? ठीक है. तो फॉर्मूला हमें मिल गया मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है. हाँ क्या होता है? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड. अच्छा ये कैसा होगा? ये भी तो सॉलिड ही होगा. जलने के बाद राख बनता है, राख भी क्या होगा? सॉलिड होगा. यहाँ तक समझ में आ गया? चले यहाँ तक समझ में आ गया तो एक चीज़ और बची है. हम कोई भी केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उसको हम तुरंत क्या करते हैं? बैलेंस करते हैं. और बैलेंस क्यों करते हैं? टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. चलिए देखिए नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 1, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 1, ये तो बैलेंस है. ठीक है, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 1, ये गड़बड़ हो गया. तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. बात समझ में आ रही है? ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद एक बार फिर से चेक करेंगे. नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम 1, नंबर ऑफ मैग्नीशियम एटम यहाँ तो 2 हो गया. अब हम क्या करेंगे? इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो गया हमारा रिएक्शन रेडी. आप एक बार देख लीजिए, इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. हो गया होगा? आगे बढ़े. ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. देखिए नेक्स्ट एग्जांपल हमारा बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन गैस.
अब ये क्या है सर, हाइड्रोजन गैस भी बंद हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए कैसे, हाइड्रोजन गैस इट मीन्स हाँ मॉलिक्यूल है ना H2, क्या है ये गैस है तो G लिख देंगे, प्लस बर्निंग यानी क्या है कंबस्टन रिएक्शन, इन ऑल कंबस्टन रिएक्शन देयर विल बी द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या मॉलिक्यूल, सो O2 गैस, समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए तो अब हमें ये बताइए, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो क्या बनाते हैं, याद आया? हाँ, क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं, H2O, क्या बनाएंगे वाटर H2O। अब देख लीजिए वाटर कैसा होता है, हाँ लिक्विड होता है ना, क्या H2O गैस में भी एग्जिस्ट करता है? बिल्कुल करता है, कैसे, वेपर में। एक्चुअली जो H2O है ना वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर आप आइस का फॉर्मूला की बात करें तो भी क्या होगा H2O, वाटर का तो पता ही है क्या होता है H2O, और जो वाटर वेपर होता है ना उसका भी केमिकल फॉर्मूला क्या होता है H2O ही होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला काम क्या करते हैं हम, हाँ बैलेंस करेंगे। देखिए नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स 2, ये तो पहले से बैलेंस्ड है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम 1, ये तो बैलेंस नहीं है ना। आप वीडियो को पॉज करके पहले एक बार ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कर सकते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन एटम तो बैलेंस हो गया 2-2, लेकिन हाइड्रोजन अब बैलेंस नहीं है, हाइड्रोजन 2 पहले ही था, 2 और आ गया, यानी कितने हो गए 4, जबकि यहाँ कितना है 2, तो हम यहाँ भी क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो गया रेडी। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए थर्ड एग्जाम्पल। थर्ड एग्जाम्पल इज बर्निंग ऑफ कोल। अब हम किसी बात करेंगे, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले को जलाएंगे। अच्छा याद है पिछले टाइम हमने क्या कहा था, कोल इज मेड अप ऑफ कार्बन, याद रहेगा? ठीक है, इसके दो तरीके होते हैं, एक होता है हाफ कंबस्टन। हाफ कंबस्टन का मतलब क्या हुआ, हाँ हाफ कंबस्टन का मतलब हुआ कि जब कोयला आधा ही जलेगा, कोयला आधा ही जलेगा, दैट इज हाफ कंबस्टन। देखिए कोयला को जलाना है इट मींस कार्बन, कोयला कैसा होता है सॉलिड, कंबस्टन रिएक्शन यानी कि ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कराएंगे। याद है जब हाफ कंबस्टन होता है तो हमें क्या बनता है, हाँ क्या बनता है, कार्बन मोनो ऑक्साइड गैस बनता है, विच इज टॉक्सिक गैस, जो कि क्या है पॉइजनस है, हार्मफुल भी है, हाँ बिल्कुल हार्मफुल है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, गैस है, इसको भी मेंशन कर लीजिए। अब बैलेंस कर लेते फटाफट, कार्बन एटम 1, ऑक्सीजन एटम 2, सो इट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2। अब कार्बन को भी 2 से कर देंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, समझ में आ गया। चलिए इसका सेकेंड पार्ट लिखते हैं, बी सॉरी, तो अब हम किसकी बात करेंगे, सेकेंड पार्ट ऊपर ही लिख लेते हैं ना, आप लोग ये सब कॉपी तो कर ही लिए होंगे, नहीं किए होंगे तो वीडियो को पॉज करके करते रहिएगा। सेकेंड बर्निंग ऑफ कोल, सेकेंड पार्ट ना, हाँ फुल कंबस्टन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फुल कंबस्टन। देखिए जब कार्बन सॉलिड फिर किसे रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन से O2, और कंप्लीटली जल जाएगा तो क्या बनाएगा, हाँ क्या बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि क्या है गैस है, किसी को डाउट है, नहीं है ना। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए बैलेंस कर लेते हैं फिर वही चीज, ये तो बैलेंस ही है, कार्बन 1 एटम ऑक्सीजन 2 एटम्स, हाँ ये ऑलरेडी बैलेंस है। देखिए इसमें कुछ बचा नहीं, सब बैलेंस हो गया, इसलिए ये क्या फुल कंबस्टन, यानी जब कोयले को आप जलाएंगे पूरा जल जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगा, ये हो गया। चलिए अगर हो गया तो आगे देखते हैं, फोर्थ एग्जाम्पल। अभी याद है हम लोग का कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना था, नाउ वी आर गोइंग टू राइट डाउन रिएक्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या होता है CO,
ध्यान रहे दोनों लेटर क्या रहेंगे, कैपिटल, क्योंकि अगर स्मॉल ओ लिख दिया तो क्या बन जाएगा, कोबाल्ट बन जाएगा एंड ऑक्सीजन गैस। अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड क्यों नहीं बना था, क्योंकि ऑक्सीजन उसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिला था। अब अगर हम इसी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को ही किससे रिएक्शन करा दें, ऑक्सीजन गैस से, तो आप बताइए क्या बन जाएगा, हाँ क्या बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन जाएगा। चलिए देखिए बैलेंस कर लेते हैं, ऑक्सीजन कितना है, 1, 2, 1, 3 है, इधर कितना ऑक्सीजन, 2 है ना, यानी कि हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना होगा जो दोनों के टेबल में आ जाए। कौन आता है, 6 आता है, ठीक है। तो 6 करने के लिए हम क्या करें, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दें अगर, तो काम बन जाएगा। देखिए ऑक्सीजन तो 6 हो जाएगा, यहाँ 3 से करेंगे, 2 से करके देखते हैं एक बार। अगर हम यहाँ 2 से करें तो कार्बन कितना हो गया, 2 एटम, यहाँ भी 2 से कर देते हैं, कार्बन कितना हो गया, 2 एटम। ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 2 और 2, 4, यहाँ भी कितना है, 2 और 2, 4, तो ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया, समझ में आ गया। चलिए अब क्या, तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल इज फाइव, रिएक्शन ऑफ, अब तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम छोड़ ही दें, अब हम किसे रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस एंड क्लोरीन गैस, एंड क्लोरीन गैस। देखिए हाइड्रोजन गैस बताइए कैसे लिखेंगे, हाँ H2 गैस है तो G लिख देंगे, प्लस क्लोरीन, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, गैस है, तो ये भी मॉलिक्यूल फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, कैसे, Cl2 गैस है तो G। अब देखिए याद है कोई कंपाउंड जो हाइड्रोजन और क्लोरीन से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन क्या होता है, सिंगल प्लस हो सकता है, क्लोरीन क्या हो सकता है, सिंगल माइनस, कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, HCl, याद है किसको क्या बोलते हैं हम, हाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, या फिर हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। जो हमें लैब में मिलती है वो क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि लिक्विड फॉर्म में होती है, यहाँ जो बन रहा है वो कैसा है, हाइड्रोक्लोराइड गैस बन रही है। बात समझ में आ रही है, चलिए अगर समझ में आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, हम बोल रहे हैं आप एक बार खुद से ट्राई करिए, हाँ किसका रिएक्शन कराना है, रिएक्शन ऑफ सोडियम मेटल, सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस कर सकते हैं, हाँ वीडियो पॉज करके कंप्लीट कर लीजिएगा फिर मैच करिएगा। देखिए हो गया होगा, सोडियम यानी कि Na, मेटल है यानी कि ये कैसा होगा, हाँ समझ तो रहे हैं, क्या होगा, सॉलिड, रिएक्ट विथ क्लोरीन गैस, क्लोरीन इज Cl2 गैस। आप बताइए सोडियम क्या है, मेटल, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, ये क्या बनाएंगे, हाँ सॉल्ट बनाएंगे, कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, सोडियम क्लोराइड NaCl। कैसे पता चला, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बन जाएगा, Na+, क्लोरीन उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या बन जाएगा, Cl-, देखिए +1 -1 कंबाइन होकर क्या बन गया, NaCl। अब देखिए बैलेंस कर लीजिए फटाफट, यहाँ क्लोरीन का नंबर क्या है, कम है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, अब सोडियम का नंबर कम हो गया तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इसको एक बार कॉपी करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, वेन, वेन क्या डायरेक्ट लिखते हैं, नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम, याद है क्विक लाइम, याद है या नहीं, हाँ क्विक लाइम, जिसको हम सिर्फ लाइम से भी बोलते हैं, एंड वाटर,
रिएक्शन ऑफ क्विक लाइम एंड वाटर। याद है ये कैसा रिएक्शन होता है? हाँ, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिससे हीट बाहर आती है। देखिए क्विक लाइम को हम क्या लिखते हैं, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैसा होता है? सॉलिड फॉर्म में, चूना, चूना तो सॉलिड ही होता है ना। व्हेन इट रिएक्ट्स विथ वाटर, याद है ये क्या बनाता है, क्या बनाता है? स्लेक्ट लाइम और हीट रिलीज होती है। स्लेक्ट लाइम किसको कहते हैं हम? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को। पहले काम करते हैं, फॉर्मूला बनाकर चेक कर लेते हैं। देखिए कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, याद है? हाँ, कितना होता है? 20। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन बोलिए फटाफट, 2882। ठीक है, तो ये दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बन जाएगा, कैल्शियम 2 पॉजिटिव बनेगा। और बताइए हाइड्रोक्साइड ना, हाइड्रोक्साइड तो एक रेडिकल है जिस पर कितना चार्ज आता है, सिंगल माइनस। क्या ये 2 पॉजिटिव और सिंगल माइनस डायरेक्ट कंबाइन हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए कंपाउंड क्या बनेगा, हाँ याद आ गया, CaOH ट्वाइस बनेगा। चलिए तो लिखते हैं CaOH ट्वाइस। ये क्या हमारा सिलेक्ट लाइम है, क्या ये सिलेक्ट लाइम? ये कैसे एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में, और किस में एग्जिस्ट कर सकता है, एक्वस में भी कर सकता है। जब हम इसको पानी में घोल देंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्वस बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए समझ में आ रही है तो आगे देखिए, ये बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब हम अगर इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को किसी रिएक्शन करा दें, कार्बन डाइऑक्साइड से। देखिए नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द रिएक्शन ऑफ सिलेक्ट लाइम, रिएक्शन ऑफ सिलेक्ट लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम सिलेक्ट लाइम के रिएक्शन किससे कराते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से। देखिए सिलेक्ट लाइम क्या है, CaOH ट्वाइस, जो कि हमने मान लीजिए लिक्विड फॉर्म लिया है, तो क्या होगा ये एक्वस होगा। जब हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करते हैं तो ये तो गैस है, तो देखिए क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। अब आप हमें ये बताइए फॉर्मूला क्या होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम का तो अभी हम लोग निकाले थे, कितना आया था, 2 पॉजिटिव। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 माइनस, रेडिकल है ना ये। देखिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव डायरेक्ट कंबाइन हो जाएंगे, कंपाउंड क्या बनेगा, हाँ क्या बनेगा, CaCO3 बनेगा। तो लिख लेते हैं हम, नीचे लिख लेते हैं, ऊपर जगह नहीं है, CaCO3। ये कैसा होता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और हम इसको और भी एक नाम से जानते हैं, क्या है नाम, लाइम स्टोन। क्या है नाम, लाइम स्टोन। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। जनरल नेम क्या है, लाइम स्टोन। और एक चीज आपको याद रखना है, जो घर पे प्लास्टर होता है ना, उसके बाद जो पुट्टी करते हैं, एक वाइट कलर की लेयर चढ़ाई जाती है, वो क्या होता है, लाइम स्टोन ही होता है, जिसकी वजह से वो साइन करता है। बात समझ में आ रही है, ये लाइम स्टोन कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये दो जगह पे आपको एग्जिस्ट करता है। दो टाइप के रॉक्स होते हैं, एक लाइम स्टोन भी रॉक होता है, वहाँ पे मिल जाएगा, और मार्बल्स में भी आपको कैल्शियम कार्बोनेट मिल जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जिनको आप अच्छे से घर पे प्रैक्टिस करिए, दो बार तीन बार करिए, जिससे कि आपको सारे कंपाउंड्स याद हो जाएंगे। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।